तो जैसे कि KEI वायर्स एंड केबल्स की टैगलाइन है वो अब यहाँ पे होगा प्रूफ। तो फ्लेम रिटार्डेंट में देखेंगे कि आग लगने पे सबसे ज्यादा फ्लेम को कौन और भड़काता है। ब्लैक वायर में से सबसे ज्यादा फ्लेम्स जो है वो निकल रही है, जबकि तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि मैं भी अपना घर रेनोवेट कर रहा हूं, तो उस घर के अंदर अगर मैं वायर डालने वाला हूं तो वो कौन सी कंपनी की वायर होने वाली है और वायर खरीदने से पहले मैं वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वाला हूं कि जिसकी वजह से मेरे घर में कभी भी किसी भी तरह की कहीं आग ना लग जाए, शॉर्ट सर्किट ना लग जाए, और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो वायर्स हैं वो उस क्वालिटी की हों जो मेरे घर को आग लगने से बचा सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं हूं इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और साथ के साथ उस ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो वायर का ब्रांड आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे वीडियो पे या लाइव पे या कंसल्टेशन में पूछते रहते हैं कि सर कौन सी कंपनी का ब्रांड का वायर सबसे अच्छा है। नो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इसी ब्रांड को क्यों चूज कर रहा हूं, मैं अपने घर में इस ब्रांड के वायर क्यों डाल रहा हूं, उसके पीछे कुछ रीजंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जब मैं वायर खरीदने जाऊंगा तो मैं देखूंगा लोड कि भाई मेरे घर के अंदर जो वायर लगने वाली है वो किस हिसाब से वायर डालनी है, मतलब कि क्या ये कमर्शियल प्लेस है, क्या ये रेजिडेंशियल प्लेस है, एसी यूनिट कितने होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या आपके साथ स्कैम क्या हो जाता है कि भाई एसी दो लगने हैं और सारे घर में जो वायर बंदे 4 mm की खरीद रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो जो 1 mm की तार है वो यूज होगी अर्थिंग के लिए और या फिर लो सर्किट अप्लाइंसेज जो होते हैं, लो वोल्टेज वाले ना अप्लाइंसेज, लाइट लैंप हो गया, उनमें वो डल जाती है। 2.5 mm की तार वो होती है जहां पे आपको पावर के सॉकेट्स होते हैं, जैसे आपको आयरन करना है, कपड़े जो इस्त्री करने होते हैं उसके लिए करना होता है, या फिर आपको माइक्रोवेव चलाना है या वॉशिंग मशीन चलानी है, तो वहां पे आपको डालनी है 2.5 mm की वायर। जबकि एसी और गीजर के लिए और उतने ही वॉटेज के इक्विपमेंट्स के लिए आपको जो वायर डालनी है वो डालनी है 4 mm की। दैट्स राइट, अक्सर क्या होता है लोग एसी में 2.5 mm की डाल देते हैं, एसी में भी डाल सकते हैं नो डाउट, लेकिन गलती से आपने अगर उसी अप्लायंस पे कोई और आइटम जोड़ दिया तो फिर आपकी वायर जल सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक चीज और बताता हूं। अब ब्रांड का जो नाम है वो है KEI वायर्स एंड केबल्स। अब इस ब्रांड को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका PVC इंसुलेशन जो इसके बाहर इंसुलेशन प्लास्टिक की कोटिंग है वो, साथ के साथ इसके जो कॉपर के स्ट्रैंड्स है मतलब जो अंदर कॉपर की वायर है वो बहुत ही तगड़े लेवल की है, बहुत ही अच्छे लेवल की है। इसको मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसका जो वायर का करंट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि जो करंट है वो बहुत स्मूथली सप्लाई होता है इस वायर के अंदर। वैसे ये वीडियो पेड प्रमोशन है बट स्टिल मुझे इस कंपनी पे कोई डाउट नहीं है और मैं खुद ही अपने घर में लगा रहा हूँ, तो यार घटिया माल तो मैं भी नहीं लगाने वाला, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन ट्रस्ट KEI। साथ के साथ आपको मुझ पे भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे लाइव टेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अदर ब्रांड्स की भी वायर मंगा ली है और लाइव टेस्ट करेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, उस पर तो बिलीव आई थिंक हम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मैं चीज देखूंगा लोड का, तो चलो मुझे पता लग गया कि आपका स्कैम किसी तरीके का नहीं हो सकता। सेकंड थिकनेस मैंने आपको बता दिया कि 2 mm कहाँ लगेगा, 2.5 mm कहाँ लगेगा, 4 mm कहाँ लगेगा। नेक्स्ट जो है KEI की वायर जो है वो रोड एंड फ्री है, मतलब कि होता है ना कि घर के अंदर कहीं चूहे आ गए वो वायर काट जाते हैं, तो इसमें वो डर नहीं है। वो डर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मटेरियल डाला जिससे कि चूहे आपकी वायर को कट नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो कहीं होता है ना ओपन में वायर चली जाती है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा जानवर घूम रहा हो, रोडेंट घूम रहा हो जो वायर को काट दे, तो वो भी यहाँ पे आपको सेफ एंड सिक्योर मिल जाता है कि अगर ओपन में वायर डाल दिया तो इसमें कट नहीं लगेगा। दूसरा मैं जो इस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट कैसे, फ्लेम रिटार्डेंट टेस्ट की, मतलब कि अगर लोड ज्यादा इस पर आ जाता है तो फायर के मामले में ये कैसे दिखेगी। अब इस वायर्स में आती है एक सीरीज, वो क्या होता है FR LSHK और ZHFR। FR का मतलब होता है फ्लेम रिटार्डेंट, का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि घर के अंदर अगर वायर पे लोड ज्यादा बढ़ गया और उसमें आग लग गई तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। FR LSH यानी कि फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक एंड हैलोजन, अगर जली तो धुआं है वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है। अगर मान लो रूम में आग लग गई और धुआं ही धुआं सबसे ज्यादा हो गया तो आपको सांस नहीं मिलेगा ना, आप भाग नहीं पाओगे, और स्मोक इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं। तो लो स्मोक में आपको पूरा टाइम मिलता है कि आप अपने MCB पैनल तक पहुंच सको, उसको लाइट को ट्रिप करा सको और आग को बंद कर सको, ठीक है, तो वायर में इतना धुआं नहीं आता है। ZHFR मतलब कि जीरो हैलोजन फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब कि जो उसमें से फ्यूम्स जब निकलती है उसमें जो जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं उससे आपका ये जो डेथ भी हो सकती है, ऐसा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और आए दिन हम न्यूज में कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि बिजली में शॉर्ट सर्किट, यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, तो ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। और एक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि घर में बिजली का काम कराने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, वो वीडियो देख सकते हो, लिंक आई बटन में। तो अब आपका सवाल मन में आ गया, यार मनीष हम इसको यूज क्या करें,
तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपका नॉर्मल घर है 2BHK है 3BHK है तो आपको वहां पे मेरे हिसाब से यूज करनी चाहिए FRLSH यानी कि फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक एंड हैलोजन। और जहां पे बहुत ज्यादा हैवी लोड का काम होता है, मशीन्स बहुत ज्यादा हैवी चलती हैं, या फिर मैं कहूँगी कोई पंप हाउस है या कॉमर्शियल बिल्डिंग है, वहां पे हमेशा आपको ZHFR जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए या फायरवर्क्स, सबसे ज्यादा जहां पे अगर पटाखे की जो कंपनी है वहां तो यही वायर सारी यूज होनी चाहिए। और वहां पे भाई कनेक्टर तो यूज करता नहीं है कोई, सीधा वायर को काटा, टेप मारा और कहानी खत्म, जबकि वो सही तरीका नहीं होता है। पॉइंट इज सेफ्टी इज फर्स्ट, दैट्स राइट। तो अब हम सीधा शूट करेंगे कि KEI केबल्स का कंपैरिजन विद अदर वायर्स की क्यों अच्छी है और हमें इसको क्यों लेना चाहिए। टॉर्चर तो वायर को हम करने वाले हैं, और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा तो नहीं है जो वायर आप खरीद रहे हो उस पे डब्बा तो ओरिजिनल है लेकिन वायर लोकल है, और या फिर लोकल वायर और एक ब्रांडेड वायर में फर्क क्या होता है। अक्सर लोग कहते हैं सर ये लोकल वायर डाल लेना, तो चलते हैं सीधा टॉर्चर करने के लिए वायर्स को। लेट्स हिट इट। तो गाइस अब हम करने वाले हैं फ्लेम रिटार्डेंट टेस्ट, मतलब कि अगर कहीं पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है वायर के अंदर, जब पीवीसी जलता है तो टपकता है, किसी भी सरफेस पे जाता है तो वो और जलता है और उसके आसपास की चीज़ों को भी जलाता है। जैसे अगर हमें लकड़ी को जलाना है तो हम पन्नी में आग लगा के उसके ऊपर डाल देते हैं जिससे कि लकड़ी जल्दी जाए, तो सेम गोज़ फॉर द पीवीसी। तो अब ये सेटअप हमने सारा कर लिया है जिसके अंदर अब हम अपनी टीम को बुलाएंगे और कहेंगे थोड़े से और हाथ हमारे पास आ जाएं और हम इस वायर को FR, FRLSH, ZHFR और अदर ब्रांड की सारी वायर्स को हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं, उसको पूरा टॉर्चर करने वाले हैं। तो जैसे कि KEI वायर्स एंड केबल्स की टैगलाइन है कि हर टेंशन सहे और चलती रहे, वो अब यहाँ पे होगा प्रूफ। तो अब करते हैं चारों वायर्स की टेस्टिंग, मतलब कि FR, FRLSH, ZHFR और अदर ब्रांड की। और जो अदर ब्रांड की वायर है वो है ब्लैक कलर की। तो फ्लेम रिटार्डेंट में देखेंगे कि आग लगने पे सबसे ज़्यादा फ्लेम को कौन और भड़काता है। अभी आप देख रहे हो कि अब पता नहीं वहाँ से नोटिस हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लैक वायर में से सबसे ज़्यादा फ्लेम्स जो है वो निकल रही हैं, जबकि इनमें से कोई खास फ्लेम निकल नहीं रही है। मतलब वायर जल रही है लेकिन कोई फ्लेम, मतलब आग को और भड़क नहीं रहा है। ये देखो ये फ्लेम लगा और देख रहे हो इसमें से फ्लेम और बढ़ रही है। ये देखो अब इसको मैं लगाता हूँ तो ये फ्लेम को बढ़ाएगी नहीं लेकिन सिर्फ जलेगी। सी तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेम रिटार्डेंट की, मतलब अगर वायर पे आग लगती है, लोड बढ़ता है, तो उस वजह से क्या फ्लेम को और ज़्यादा भड़कने देगी या नहीं देगी, मतलब ये फ्लेम को और ज़्यादा बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। तो अभी हमने अब हम बात करते हैं FRLSH। तो अभी पहले तो जलने में टाइम लेगी, अब देख रहे हो ये शुरुआत में स्मोक आया जो कि आना ज़रूरी भी है कि अगर नहीं आया तो पता ही नहीं चलेगा आग लगी कहाँ है, लेकिन ये कंपेरेटिवली FR उतना स्मोक आ नहीं रहा है इसमें, देख रहे हो। अब आते हैं हम तीसरी वायर, मतलब कि ZHFR, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो इसमें हार्मफुल जो गैसेस जो एमिट होती हैं जब वायर जलती है वो नहीं है, मतलब ये काफ़ी अच्छी वायर है, कल को आग वाग लग जाए तो वो दम नहीं घुटेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये फ्लेम रिटार्डेंट भी है। अब ये देखो अब जो वो पीवीसी जलता है, देखो ना तो इसमें अब कुछ भी नहीं आ रहा सी, और फ्लेम तो उठ ही नहीं रही है, देख रहे हो कोई फ्लेम नहीं उठ रही है, देखो देख रहे हो काली हो गई, हल्की सी स्मोक है लेकिन देख रहे हो फ्लेम अभी तक नहीं उठी है। सी दिस इज द बेनिफिट, देख रहे हो पूरा मैंने इसको लगा के रखा है कोई फ्लेम नहीं है। तो ये था हमारा फ्लेम रिटार्ड टेस्ट, और अब हम करते हैं अदर ब्रांड्स की। ये उठा धुआं और फ्लेम अलग अलग तरीके से निकलती हुई देख रहे हो, और बहुत सारा स्मोक, और ये हमारे मतलब इससे पहले हमारा दम घुट जाए हम इसको हटा लेते हैं। मतलब अब ये कंडीशन अगर आप देख पाओगे, इसको तो मैंने हार्डली 2 सेकंड जलाया है। तो यहाँ KEI वायर्स एंड केबल्स की जो टैगलाइन है वो प्रूव हो जाती है कि हर टेंशन सहे और चलती रहे। अब जो नेक्स्ट टेस्ट हम करने वाले हैं वो है कॉपर का, मतलब मल्टीपल स्ट्रेंस, मतलब कि जो वायर के अंदर वो कॉपर्स होते हैं ना जिसमें मेन करंट जो है फ्लो होता है वो हम चेक करेंगे, और इसके साथ हम वायर को बड़े प्यार से इसकी पीवीसी कोटिंग को निकालेंगे जिससे कि कोई मल्टीपल कॉपर स्ट्रैंड ना कटे, और इसके कॉपर स्ट्रैंड्स को हम काउंट भी करेंगे। तो टोटल जो स्ट्रैंड्स हैं वो इस वायर में निकले 32। अब हम करते हैं FRLSH में, तो इसमें भी अगर हम काउंट करते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। नेक्स्ट जो करते हैं वो करते हैं हम ZHFR में,
तो इसमें भी अप्रॉक्स उतने ही स्ट्रैंड हमें दिख रहे हैं, तो इसमें भी हैं टोटल 32 स्ट्रैंड्स। और अब आते हैं जिसका हम वेट कर रहे थे, अदर ब्रांड का, जो लोग कहते हैं कि सर हम ये वाला ब्रांड लोकल ब्रांड लगा लें। तो अगर अब हम इसको निकालते हैं तो इसमें जो स्ट्रैंड्स हैं वो हैं 16 and 17। तो देखा आपने, इसमें हैं 17 स्ट्रैंड्स। तो गाइस अब आपको मुझ पे ऐसे खास टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जो टेस्ट किए उसके हिसाब से KEI वायर्स एंड केबल्स की जो कंपनी है वो बेस्ट निकली, जिसने अपना जो टैगलाइन है जो कि है हर टेंशन सहे चलती रहे, वो प्रूव भी होता है। तो बेस्ट इसकी चीज़ है कि ये रोडेंट फ्री है। तो इसकी और जो खासियत है वो है कि ये लेड फ्री है, हायर ऑक्सीजन कंटेंट है, साथ के साथ एंटी रोडेंट है, एंटी टर्माइट है, और सबसे बड़ी चीज़ अदर ब्रांड्स होते हैं ना उनमें जो वायर आपको बोला जाता है कि इतने मीटर लेंथ है उसमें भी कम होती है, तो इसमें वो पूरी आती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी कॉपर की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर चैनल के लिंक्स हैं, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।